संसद के अंदर एनआरसी पर चर्चा हो रही थी और ममता दी ने पूरे दिल्ली में एनआरसी का विरोध करने का काम किया। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को कहने आया हूं, ये एनआरसी क्या है? एनआरसी है आसाम के अंदर से विदेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर चिन्हित कर बाहर निकालने की प्रक्रिया एनआरसी है। इतनी बड़ी रैली है, लाखों लोग हैं। मुझे बताइए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को अलग अलग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ममता दीदी, एनआरसी आपके रोके से नहीं रुकेगी। आप भी विरोध कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भी विरोध कर ले, मगर हमारा कमिटमेंट है असम के अंदर एनआरसी की प्रक्रिया को न्यायिक तरीके से हम समाप्त करेंगे और एक एक घुसपैठिए को चिन्हित कर ही छोड़ेंगे। मैं ममता दी को पूछना चाहता हूं कि आप क्यों घुसपैठिए को रखना चाहती? यही ममता दी थी। देखिए साहब, लोग कैसे कैसे बदलते हैं। 2005 में ये बांग्लादेशी घुसपैठिए कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देते थे, ममता दी ने लोकसभा सर पे ले ली, लोकसभा के अध्यक्ष पर स्पीकर पर कागज फेंके, लोकसभा बंद करा दी और नारा लगाया बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालो। आज वही बांग्लादेशी घुसपैठिए तृणमूल कांग्रेस की वोट बैंक बने हुए हैं, वोट बैंक बने हुए हैं। और ममता दी उनको बांग्लादेश में, उनको भारत में रखना चाहती है, असम में रखना चाहती है। ममता दी ये स्पष्ट करिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष स्पष्ट करे कि आप देश की सुरक्षा को आगे रखते हो या अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को आगे रखते हो। एनआरसी जो काम कर रही है वो आसाम एकॉर्ड के तहत कर रही है। ये आसाम एकॉर्ड को किसने बनाया? आसाम एकॉर्ड को उस वक्त के देश के प्रधानमंत्री 1985 में राजीव गांधी थे, उन्होंने बनाया। उस वक्त कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं थी, मगर आज वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए राहुल गांधी अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं करते हैं। मित्रों, मैं इतनी बड़ी लाखों की भीड़ को पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए देश की सुरक्षा पर खतरा है या नहीं है? जरा जोर से बोलिए, खतरा है या नहीं है? बंगाल के अंदर जो बम धमाके होते हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठिए करते हैं या नहीं करते हैं? जरा जोर से बोले, करते हैं या नहीं करते हैं? उनको निकाल बार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ममता दी, मैं बता देता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए देश सबसे पहले है, वोट बैंक बाद में आता है। और हम एनआरसी की प्रक्रिया आप कितना भी विरोध कर दो, हम अटकाएंगे नहीं। बंगाल में आकर तृणमूल कांग्रेस भ्रांति फैला रही है कि एनआरसी के तहत शरणार्थी भी चले जाएंगे। मैं आज इस मंच से पश्चिम बंगाल में जितने शरणार्थी हैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 लेकर आई है, जिसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आए हुए क्रिश्चियन, बौद्ध और हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। कोई शरणार्थी को वापस भेजने का कोई कार्यक्रम नहीं। ममता दी, भ्रांति फैलाना बंद करो। कहां जाएंगे मेरे शरणार्थी भाई?
शरणार्थी भाइयों को यहां रखना ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है।